बाद मिनी मुंबई में भी कोरोना के अड्डे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो रानीपुरा का इलाका है वो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कड़ा पहरा है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित तरीके से हो, इसके चलते पूरी अधिकारियों की जो टीम है वो आप यहाँ देख सकते हैं बड़ी बनी हुई है। खासतौर पर यहाँ पर एक अस्थायी रूप से जो है तंबू का निर्माण कर दिया गया है, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी और कई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर जो है रोजाना पहरा दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। फिर देख सकते हैं कि इतनी तपती धूप में भी, तेज गर्मी में भी जो पुलिस कर्मी है वो भी लगातार इस अस्थाई जो है टेंट का सहारा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे इन आंकड़ों में कोई इजाफा ना हो, इसके चलते पूरी शत प्रतिशत एहतियात यहाँ पर बरता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही रानीपुरा का इलाका है जो कि आमतौर पर गुलजार रहता था। अब जो लगातार बढ़ते आंकड़े हैं, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 200 को पार कर गया है, तकरीबन 249 मरीज हो चुके हैं, ऐसे में अब इस तरह की जो है तालेबंदी की आवश्यकता भी है। और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का फेज वन खत्म होने के बाद लॉकडाउन फेज टू जब शुरू होगा तो उस दरमियान भी जो है इस तरह का सन्नाटा लगातार बना रहेगा। और लगातार ये उम्मीद की जा रही है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंदौर की जनता जो है वो जागरूकता का परिचय दे, लॉकडाउन का शत प्रतिशत न केवल पालन करे, यदि उनमें कहीं COVID-19 के सिम्टम्स नजर आते हैं तो जरूर जो है आगे आए, सूचना करें, हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल करें। इंदौर के इस कोरोना अड्डे से महेंद्र सिंह।